वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, आप सबको ये मालूम है तिथि के अनुसार आज पूर्णिमा नहीं है। गुरु पूर्णिमा की तिथि आज से एक सप्ताह बाद अगले रविवार को है, लेकिन एक ही दिन सब जगह मनाने से सबको बराबर लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सुविधा की दृष्टि से इस आश्रम में आज हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है और कब तक है, यह एक प्रश्न होता है। क्या जरूरत है जीवन में गुरु की, और जरूरत है तो कब तक है। एक सज्जन का यह प्रश्न था कि गुरु की क्या आवश्यकता और वो आवश्यकता है तो कब तक। बहुतों से पूछा, जिज्ञासा का समुचित समाधान नहीं हुआ। पूछते पूछते एक संत के पास आश्रम में गए, संत से भी पूछा। संत ने कहा, ठहरो, समय आने पर बता दूंगा। ठहर गया, निवास की व्यवस्था हुई, समय आने पर भोजन किए, विश्राम किए, अन्य और लोगों से चर्चा किए। ये सब करते करते सांझ हो गई, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उस सज्जन ने कहा, महाराज, सांझ हो गई है, रात घिरने वाली है, अंधेरा हो गया है, दीपक जला लिया जाए। दीपक जला दिया गया, फिर शाम का सत्संग वाला फिर हुआ, सोने का समय हुआ, सब लोग सोने के लिए गए, दीपक जल रहा था। उस सज्जन ने कहा, महाराज, अब सोने का समय हो गया है, दीपक बुझा दिया जाए। संत ने सुना नहीं क्या, मत ध्यान दिया नहीं। थोड़ी देर के पश्चात उन्होंने पूछा, महाराज, यह दीपक कब तक जलता रहेगा। संत ने कहा, जब तक बाहर अंधेरे का साम्राज्य रहेगा, बाहर अंधेरा रहेगा, तब तक दीपक जलता रहेगा। रात बीती, सुबह हुई, उसने कहा, महाराज, अब मुझे घर जाना है, मेरे प्रश्न का उत्तर बता दीजिए कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है और कब तक है। संत ने कहा, क्या बताया नहीं गया, उत्तर तो तुम्हें बता दिया गया। उसने कहा, महाराज, आपने तो कुछ नहीं कहा। उन्हें कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उत्तर बताया गया, अंधेरा हुआ, तुमने कहा, महाराज, अंधेरा हो गया है, दीपक जला दो। तुमने पूछा,
कि दीपक कब तक जलता रहेगा, तो कहा गया जब तक अंधेरा रहेगा। दीपक की आवश्यकता क्यों? क्योंकि अंधेरा है। दीपक की आवश्यकता कब तक? जब तक अंधेरा है। इसी प्रकार गुरु की आवश्यकता क्यों? क्योंकि भीतर अज्ञान का अंधेरा है। गुरु की आवश्यकता कब तक? जब तक जीवन में अज्ञान का अंधकार रहेगा तब तक। और ज्ञान हो जाने के बाद भी अज्ञान का आवरण बीच बीच में आया करता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता जीवन पर्यंत होती है। किसी को ज्ञान हो गया है, इसकी पहचान क्या है? कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि मुझे ज्ञान हो गया है। लेकिन ज्ञान हुआ है हमें, इसकी पहचान क्या है? हमारे भीतर अज्ञान और ज्ञान दोनों रहते हैं। कभी ज्ञान का प्रकटीकरण ज्यादा हो जाता है, कभी अज्ञान का। क्यों? जिधर हम सत्ता देते हैं उधर का पक्ष मजबूत होता है, जिधर पक्ष नहीं देते उधर का पक्ष कमजोर हो जाता है। यदि जीवन में किसी बात को लेकर चिंता है, जीवन में तनाव की स्थिति आती है, किसी बात को लेकर के मन पीड़ित और दुखी होता है, किसी वस्तु को देख करके मन आकर्षित होता है, लुब्ध होता है, और किसी कारण से जीवन में क्षोभ आता है, तो यह सब पहचान है अज्ञान का। और जब तक जीवन में चिंता होती रहेगी, दुख अंदर बना रहेगा, पीड़ा अंदर बनी रहेगी, तब तक गुरु की आवश्यकता जीवन में रहेगी। गुरु मिलने का अर्थ क्या है? मुझे गुरु मिल गया, मुझे ज्ञान मिल गया, इसकी पहचान क्या है? समान रूप से आदमी किसी गुरु की शरण में जाता है, दीक्षा ले लेता है, और कहता भी कि अब मैं भी गुरु भक्त हो गया, मुझे भी एक सच्चे गुरु मिल गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, हर आदमी को भक्त होना चाहिए। बिना भक्ति के जीवन में निर्मलता नहीं आ सकती, और बिना भक्ति के कोई भी आदमी कल्याण मार्ग पर नहीं चल सकता। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में विनम्रता की और समर्पण की आवश्यकता होती है। और भक्ति क्या है? विनम्रता और समर्पण ही भक्ति है। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है और जिसके अंदर समर्पण नहीं है, वह भक्त नहीं हो सकता। और जिसके अंदर ये दोनों गुण नहीं है, किसी दिशा में वह सफल नहीं हो सकता, किसी दिशा में शिखर पर पहुंच नहीं सकता। शिखर पर पहुंचना है, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, तो विनम्रता चाहिए और समर्पण चाहिए, और यही भक्ति है। और इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरेव भक्तिरित भी धीयते। पहली पंक्ति उनकी है, मुक्ति कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मुक्ति की जितनी भी कारण सामग्री है, अर्थात जिन साधनों से, जिन उपायों से मुक्ति होती है, उन सभी उपायों में भक्ति गरीयसी, भक्ति अत्यंत वजनदार और श्रेष्ठ है। तो हर आदमी को भक्ति करना चाहिए और भक्त होना चाहिए। वैसे हर आदमी भक्त है, अब किसका भक्त है ये अलग बात है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जीवन में जो भक्ति नहीं करता, हर आदमी भक्ति करता है।
फर्क किसकी भक्ति करता है इसमें है। कोई गुरु की भक्ति करता है, कोई माता पिता की भक्ति करता है। अब जो लोग गुरु की भी भक्ति नहीं करते, माता पिता की भक्ति नहीं करते, उनमें से कुछ लोग शराब की भक्ति करते हैं, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट की भक्ति करते हैं, कुछ लोग अंडा मांस की भक्ति करते हैं, कुछ लोग जुआ आदि की भक्ति करते। भक्ति तो कर ही रहे हैं, समर्पित तो है ही जीवन कहीं ना कहीं। न गुरु के प्रति समर्पित है, शराब के प्रति समर्पित है। शाम हुई गुरु कात्र में न जाकर के शराब की दुकान में जाएंगे, जाएंगे तो जरूर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। लेकिन परिणाम क्या होगा? शराब की दुकान में जाने से आज नरक और आगे भी नरक। गुरु के आश्रम में जाने से, गुरु की शरण में जाने से आज स्वर्ग और आगे भी स्वर्ग। तो जीवन में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो भक्ति ना करता हो। अपने मन की भक्ति करोगे, अपनी इंद्रियों की भक्ति करोगे, अपनी वासनाओं की भक्ति करोगे, कामनाओं की भक्ति करोगे, करोगे तो जरूर। इसलिए ऐसी जगह भक्ति करें जिसका परिणाम मन की निर्मलता, मन की प्रसन्नता और दुख की निवृत्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो। तो मैं कह रहा था कि हर आदमी तो भक्ति करता है। धर्म के क्षेत्र में बहुत से लोग किसी गुरु की शरण में जाते हैं, जाना चाहिए। और कहते हैं महाराज हमने गुरु से मंत्र ले लिया है, दीक्षा ले लिया है, हमने भी गुरु कर लिया है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज हमने भी गुरु बना लिया है। अब काहे गुरु बना, फिर मिट्टी के बनाए हो कि पत्थर का बनाए हो, काहे गुरु बनाए हो? गुरु कहीं बनाया जाता है? गुरु बना लिया मतलब अब तक गुरु नहीं थे, गुरु को गढ़ कर लिया है उन्होंने। गुरु बनाया नहीं जाता है, शिष्य हुआ जाता है। गुरु तो है ही पहले से। खैर चलो गुरु बना ली वो भी ठीक, लेकिन आपने गुरु बनाया है किसी को, आप किसी गुरु से दीक्षित हुए हैं, किसी गुरु की शरण में गए हैं, इसकी पहचान क्या है? कोई पहचान तो होनी चाहिए ना। कंठी पहन लिए बस हो गए भक्त? यदि कंठी पहनने मात्र से और मस्तक पर हाथ पैर पर सफेद चंदन लगाने मात्र से दुख दूर हो जाता और कल्याण मिल जाता तो बहुत बढ़िया साधन है। पूरी दुनिया भर के लोगों को कंठी पहनाते जाओ, चंदन लगाते जाओ, सब मुक्त होते चले जाएंगे। ये तो एक वेश है बाहर का, भक्ति का एक चिन्ह है, दीक्षा का एक चिन्ह है बस। चंदन लगाने से न लगाने से कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, इतना जरूर है। मस्तक पर चंदन लगाते हो, असली चंदन, ये मिट्टी वाला चंदन नहीं, खड़िया चंदन। यदि लकड़ी का जो चंदन होता है, जो मलयगिर चंदन होता है, घिस करके लगे मस्तक पर लगाते हो तो मस्तक ठंडा रहेगा, सिर में गर्मी नहीं होगी, इसलिए लगाते हैं, लगाना चाहिए। अब आजकल तो वो तो मिलता नहीं है, सफेद मिट्टी को घोल लिया, कहा हमने चंदन लगा लिया, ये चंदन तो बेकार है, इससे अच्छा तो ना लगाना बेहतर है। खैर वो भी चलो मान लेते हैं। तो कंठी पहन लिए और चंदन लगा लिए और समझ लिए कि हम गुरु के भक्त हो गए, हमें गुरु मिल गए। सदगुरु कबीर इस बात को नहीं मानते। गुरु मिले हैं जीवन में, हम गुरु की शरण में चले गए हैं, अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिए हैं, इसकी पहचान क्या है? सदगुरु कबीर ने एक बहुत बढ़िया साखी कही है, वो साखी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। यदि हम उसी साखी को पूरी तरह से मनन कर लें और मनन करके जीवन में आचरण कर लें तो हमारा पूरा कल्याण हो सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं
तब गुरु आपै आप। तुम्हें सच्चे गुरु मिल गए हैं, तुम गुरु की शरण में चले गए हो, गुरु से को समर्पित हो गए हो, इसकी पहचान क्या है? जब तुम्हारे मन की पीड़ा मिट जाए, मन में कोई पीड़ा ना हो, कोई क्लेश ना हो, मन हर समय प्रफुल्लित हो, खिला हुआ हो, तनाव मुक्त हो, निश्चिंत और निर्भय हो, यह गुरु की शरण में जाने का फल होता है। हम गुरु की शरण में क्यों गए? कल्याण की प्राप्ति के लिए। कल्याण क्या है? मरने के बाद मिलेगा, कौन देखता है, कौन जानता है? इस जीवन में कल्याण का अनुभव नहीं हो रहा है, इस जीवन में हम दुखों से घिरे हुए हैं, इस जीवन में चिंताओं से, मानसिक क्लेशों से, तनावों से, पीड़ाओं से घिरे हुए हैं, मन का मोह नहीं मिटा, वैर नहीं मिटा, ईर्षा द्वेष नहीं मिटे, कलह कल्पना नहीं मिटी, तब गुरु के पास जाने का अर्थ क्या हुआ? केवल औपचारिक रूप से दीक्षा ले लेने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है। जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए गया, अध्यापक के पास पहुंचा, अध्यापक ने उसका नाम लिखा, पहली कक्षा में भर्ती कर लिया, उसके पिता का नाम लिख लिया, ओके ठीक है, अब तुम्हारा नाम लिखा गया और अब तुम कल से स्कूल आना। अब वो बच्चा यदि ये कहता है, मैं तो स्कूल कल गया था और मेरा तो नाम स्कूल में लिख गया था, अब मैं न भी स्कूल जाऊं तो भी मैं विद्वान बन सकता हूं, तो आप इस बात को मानोगे? क्या कोई ऐसा करता है? नाम लिखाना तो इस शुरुआत है, पढ़ना लिखना तो वो तब सीखेगा और जानेगा, विद्वान वो तब बनेगा जब स्कूल रोज स्कूल जाएगा, अध्यापक जो रोज पढ़ाता है उसको सीखेगा, बुद्धि में बैठाएगा, स्वयं पढ़ता जाएगा, विचारता जाएगा और आगे आगे की पुस्तकें पढ़ता जाएगा, तब वर्षों में जाकर के वो विद्वान बनेगा। अब केवल नाम लिखा ले, अब विद्यालय एक दिन भी ना जाए तो विद्वान बनना तो दूर, पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाएगा। इसी प्रकार केवल गुरु से दीक्षा ले लिए, गुरु से दीक्षा लेने का अर्थ क्या है? विद्यालय में नाम लिखाना, बस इतने मात्र से जीवन में भक्ति नहीं आ जाएगी, इतने मात्र से कल्याण नहीं मिल जाएगा। अब गुरु जो बता रहे हैं, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर चलना होगा, उस उपदेश को जीवन में उतारना होगा, और उतारते गए रास्ते पर चलते गए, तब एक दिन वह आएगा जब मन की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी, मन का जो ताप है, मन का जो क्लेश है, वह सर्वथा मिट जाएगा। साहब कहते हैं, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन ताप। गुरु मिल गए, गुरु की शरण में मैं पहुंच गया, यह तब जानो जब तुम्हारे मन का मोह मिट गया और मन की पीड़ा मिट गई। साहब और आगे कहते हैं, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपै आप। जीवन में अनुकूलता आती है तो प्रतिकूलता आती है, हानि होती है तो लाभ भी होता है, कहीं अपमान होता है, कहीं सम्मान होता है, कभी सुख के अवसर आते हैं, कभी दुख के अवसर आते हैं। जीवन में एक रास्ता संभव ही नहीं है, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कहीं धूप तो कहीं छांव। अभी देख लो, इधर धूप है, इधर छाया है, जीवन ही ऐसा है, कभी दुख तो कभी सुख, कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता। एक रास्ता कैसे होगी? आदमी एक रास्ता चाहता है,
और एक रास्ता भी किसमें, जो लाभ हुआ है वो लाभ एक रत हो, जो अनुकूलता मिली है वो अनुकूलता एक रत हो, जो अधिकार मिला है वो अधिकार एक रत हो, जो पद मिला है वो पद एक रत हो। कोई सरपंच बन गया सोचता है जिंदगी भर मैं ही सरपंच बना रहा हूं, कोई विधायक बन गया सोचता है जिंदगी भर मैं ही विधायक बना रहा हूं, अब जिंदगी भर मुझे विधायक बनना है। कोई मंत्री बन गया सोचता है कि मैं जीवन भर मंत्री बना रहा तो अच्छा ही होता, और कोई प्रधानमंत्री बन गया तब वो सोचता जिंदगी प्रधानमंत्री बनता, और प्रधानमंत्री हुए हुए मरता तो और ज्यादा अच्छा होता। तो आदमी सोचता है जो मुझे मिल गया, जो पद मिला, अधिकार मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, वैभव मिला, अनुकूलता मिली, सुख मिला, ये सब एकरस बने रहे। एकरस कैसे बने रहे? संसार का नाम ही है परिवर्तन। संसार में हर जगह हर चीज निरंतर परिवर्तन हो रही है, और परिवर्तन जब हो रहा है इसी में संसार की गति चल रही है। एक रास्ता नहीं हो सकती है, अब एक रास्ता हो जाए तो बड़ा मुश्किल। जरा सोचो, एक रस आप बना रहे हैं, आप चाहते नहीं एक रस हूं। जब सोचिए, आप जब पैदा हुए थे ना, आप जब पैदा हुए थे, हम लोग जब पैदा हुए थे तो कितने कितने बड़े थे? बहुत छोटा सा शिशु। एक रस का मतलब यह है कि यदि हम वैसे के वैसे शिशु बने रहते तो क्या दशा होती, क्या जी पाते, कोई हमारे जीवन भर रक्षा कर पाता? जो शिशु है वो एक रस वैसे के वैसे रह जाए, आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ और उतना का बड़ा उतना बड़ा ही रह जाए 20 साल तक, आपको आनंद आएगा? वो आनंद बच्चा पैदा होने पर जो आनंद, वो बच्चा 20 साल तक उतना बड़ा रहेगा ना, वो आनंद आपको दुख में बदल जाएगा। इसलिए एक रस्ता नहीं, परिवर्तनशीलता, इसमें ही जीवन है, इसे ही संसार है। कहते हैं कि अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल यदि ये बादशाहत सदैव कायम रहती तो कितना सुंदर होता। अकबर तो बादशाह बन गए थे और सोचता कि मैं ही बादशाह बना रहा हूं, हमेशा सदैव सदा के लिए बादशाह बना रहा हूं तो कितना अच्छा होता। हर आदमी चाहता, मैंने कहा था जिसे जो पद मिल गया वो चाहता है कि ऐसे कैसे बना रहे। तो अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल यदि ये बादशाहत सदैव कायम रहती तो कितना बढ़िया होता। बीरबल ने कहा हुजूर बहुत बुरा हुआ होता। वो भी कम थोड़े थे बीरबल भी। अकबर चाहता है कि बादशाह सदैव कायम रहती तो बहुत बढ़िया होता। बीरबल ने कहा हुजूर इससे बुरा कुछ नहीं हुआ होता, बादशाह कायम रहती तो बहुत बुरा होता। अकबर ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा हुजूर यदि बादशाह कायम रहती तो आपके दादा बाबा बादशाह रहते, आपका कभी नंबर नहीं आता। अरे वो लोग छोड़ छोड़ करके गए तब आपका नंबर आया है, और कायम रहती तब तो आपके दादा के दादा बैठे रहते फिर। तो जीवन में एक रास्ता हो ही नहीं सकती। कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी हर्ष होता है, कभी शोक का अवसर आता है, कभी भी हर अलग अलग परिस्थितियां आती हैं। उस स्थिति में हमारा मन कैसा रहे? साहब कहते हैं हर शोक व्यापे नहीं, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, अपमान में, सम्मान में, मन की स्थिति ऐसी हो जाए न हर्ष न शोक, दोनों से परे। और यह साधना से संभव है। जो भी व्यक्ति साधना करेगा, मन की निरंतर निरपरख करता रहेगा, वो स्थिति में पहुंच सकता है। साहब कहते यदि तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आ गई, गुरु के बताए रास्ते पर चलते रहे, गुरु ने जो उपदेश दिया उसका जीवन में आचरण करते रहे, और करते करते वो स्थिति आ गई जब मन हर्ष और शोक दोनों से ऊपर उठ गया, तब गुरु आपे आप तो समझ लो तुम खुद गुरु रूप बन गए। गुरु के पास हम जाते हैं तो गुरु बनने के लिए ही जाते हैं। या गुरु बनने का अर्थ श्रेष्ठ बनना, बड़ा बनना, महान बनना। हम लघु हैं, छोटे हैं, हल्के हैं,
क्योंकि हम मन की कामनाओं में बंधे हुए हैं, अपने आप पर हमारी स्वस्थता नहीं रह गई है, हम अज्ञान में भटक रहे हैं। ये अज्ञान का अंधेरा दूर हो, हमारी मन हमारे मन की लघुता मिटे, मन का मन शरीर से ऊपर उठकर आत्मा की ओर चले, इसी के लिए हम गुरु के पास जाते हैं ना। और जब मन का अंधकार मिट गया, मन की अविद्या मिट गई, मन में जो आकर्षण बना हुआ था बाहर का वो समाप्त हो गया, तब आपके भीतर का जो गुरु है वो उद्घाटित हो गया। हर आदमी के अंदर गुरु बैठा हुआ है, हर आदमी मूल रूप में गुरु है, लेकिन उसका बोध नहीं है। हमारा वो गुरु, हमारी वो गुरुता ढकी हुई है। किसमें ढकी हुई है? मन की अविद्या में, मन के मोह में। गुरु उस अविद्या के आवरण को, मोह के आवरण को दूर करने का रास्ता बताते हैं। उस रास्ते पर चलकर जब हम उस आवरण को दूर कर देते हैं, हमारा गुरुत्व उद्घाटित हो जाता है। इसी के लिए गुरु शरण की जरूरत होती है। शुरू में यह प्रश्न आया था कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों और कब तक। ये कहा गया, जीवन में गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक गुरु की आवश्यकता रहेगी। अज्ञान की पहचान क्या है? चिंतित होना, भयभीत होना, दुखी होना, पीड़ित होना, कहीं उलझ जाना, कहीं मोहग्रस्त हो जाना, यह अज्ञान की पहचान। जीवन ऐसा है कि यहां पदे पदे भूलने की संभावना रहती है। एक बार ज्ञान हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि अब सावधानी की जरूरत नहीं है। एक बार ज्ञान हो जाने के बाद भी जीवन पर्यंत सावधानी की जरूरत होती है। कैसे जरूरत होती है? जैसे हमारे देश में अन्य देश के लोगों ने आक्रमण कर दिया, शत्रु आए और हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब कर दिया तब हम लोगों ने मिलकर संगठित होकर शत्रु का मुकाबला किया। शत्रु ने आक्रमण किया और हम लोगों ने मिलकर शत्रु का मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि शत्रु को खदेड़ दिया दूर। हमारा देश शत्रु के चंगुल से मुक्त हो गया, आजाद हो गया। लेकिन अब क्या करना होगा? शत्रु से लड़ने के लिए जो हमने सेना बनाई थी, क्या उस सेना को खत्म कर दिया जाए? नहीं, खत्म नहीं करना है। अब शत्रु तो नहीं रह गए, लेकिन शत्रु फिर से आक्रमण न करने पाए, इसलिए बॉर्डर पर सेना तैनात करके रखना पड़ेगा। आज कहीं युद्ध नहीं, हमारे देश में किसी ने आक्रमण नहीं किया है, लेकिन बॉर्डर पर चारों तरफ सेना 24 घंटे तैनात है। क्यों तैनात है? क्योंकि जरा सी चूक हुई, सेना को आप घंटे भर के लिए बुला लीजिए बॉर्डर से, शत्रु कब अंदर घुस आए और कब कितने बड़े क्षेत्र पर हम पर कब्जा कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। शत्रु के आक्रमण की संभावना न होने पर भी बॉर्डर पर सेना तैनात रखने की आवश्यकता होती है, और वो भी कुछ देर के लिए नहीं, 24 घंटे और 12 महीने के लिए आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया, अपनी तमाम बुराइयों पर हमने विजय प्राप्त कर ली,
मन के जो विकार हैं उन विकारों को हमने दूर कर दिया, अब जीवन निर्मल हो गया, निर्विकार हो गया। लेकिन अब यदि असावधान हो गए तो फिर शत्रु के आक्रमण की संभावना है। जब लगी है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हमारे साथ मन है और इंद्रियां हैं, बाहर के प्राणी और पदार्थ हैं। बाहर के प्राणी और पदार्थों के संयोग से मन में भुलावन की स्थिति आने की संभावना बनी रहती है, मन भटक सकता है। इसलिए जीवन भर उस ज्ञान को बनाए रखना है, जो गुरु द्वारा जो धन मिला है उस धन की सुरक्षा करते रहना होगा। जरा सी चूक हुई कि भीतर जो शत्रु हैं, हमारे मनोविकार, ये हमला कर सकते हैं और हमारे ज्ञान धन को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जीवन भर ज्ञान की जरूरत है, और जब तक ज्ञान की जरूरत है तब तक गुरु की जरूरत है। गुरु द्वारा ही बोध मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई समस्या आती है, अपने ढंग से हम समाधान करने को सोचते हैं और लगता है कि जो समाधान मैं कर रहा हूं वो समाधान ही ठीक है, लेकिन जब अपने से अधिक समझदार विवेकी पुरुष के पास जाकर के हम अपने मन की समस्या को रखते हैं और पूछते हैं इसका समाधान कैसे होगा, जब वो रास्ता बताते हैं तब लगता है अरे मैं तो सोच रहा था कि जो मैं सोचा था वही ठीक है, लेकिन मेरा सोचना तो बिल्कुल ही कच्चा है, उससे तो और समस्या उलझ जाती, ये जो बता रहे हैं ये ठीक है। साहब ने कहा कि परखत खरी परखावत खोटी, अपने परखने से तो बात खरी जान पड़ती है, लेकिन जब विवेकियों से पारखियों से समझदारों से ज्ञानियों से परखाते हैं तो अपनी जो परख है वो खोटी ठहरती है। इसलिए जीवन पर्यंत गुरु की जरूरत है। और मान लो बाहर गुरु नहीं रह गया तो भीतर ज्ञान है उसकी जरूरत होती है। बिना गुरु के कोई आदमी अपना कल्याण नहीं कर सकता। गुरु प्रस्ताव ने बताया था कि जीवन में पदे पदे गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन का व्यवहारिक क्षेत्र जहां तक है बहुत विस्तृत है, और व्यवहारिक क्षेत्र में पदे पदे गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत कुछ हमें सीखना पड़ता है, न मालूम किस किस से हम लोगों ने क्या क्या सीखा होगा, और जिससे जिससे जो जो सीखा उस उसके लिए हमारे गुरु हो गए, तो उन गुरुओं का भी उपकार है, उनके प्रति भी हमारा आभार है। लेकिन व्यवहार क्षेत्र के जो गुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, उनका सारा ज्ञान व्यवहार तक ही रहता है, शरीर तक ही रहता है। उसे शरीर की भूख दूर हो सकती है, शरीर की मांग पूरी हो सकती है, शरीर को सुविधा मिल सकती है, लेकिन मन की जो भूख है वो दूर नहीं होगी, मन की मांग पूरी नहीं होगी। मन की जो भूख तभी दूर होगी जब सच्चे गुरु मिलेंगे। इसलिए सच्चे गुरु की शरण में जाने की जरूरत है। अब सच्चा गुरु कौन प्रश्न होता है, दुनिया में गुरु तो बहुत हैं। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा सो बंदिए जो शब्द लखावे दाम। क्या कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद होता है, गुरु गुरु में फर्क होता है। सदैव वह गुरु वंदनीय होता है जो शब्दों का भेद लखाता है, शब्दों का दाम समझाता है कि कौन शब्द मानने योग्य है, कौन शब्द नहीं मानने योग्य है। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें। चाह कहते हैं कि सदगुरु के मिलने पर बहुत सुख की प्राप्ति होती है। क्यों?
क्योंकि सदगुरु शब्द सुधारे, सदगुरु शब्दों के सुधार का रास्ता बताता है। शब्द इतने अधिक हैं दुनिया में कि अपार है, उसमें छानबीन करना कि कौन सही कौन गलत ये सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है, इसका रास्ता बताते हैं सदगुरु। इसलिए सच्चे गुरु के पास जाना होगा। अब प्रश्न होता है कि सच्चा गुरु कौन, सच्चे गुरु की पहचान क्या है। वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि हमारे गुरु सच्चे हैं, हमारे गुरु सच्चे हैं, कोई आदमी अपने गुरु को झूठा कैसे कहेगा, कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन तमाम जो गुरु हैं उनमें सच्चे गुरु कौन, सच्चे गुरु का कोई मत नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता, कोई परंपरा नहीं होती। अमुक मत में, अमुक पंथ में, अमुक संप्रदाय में, अमुक मजहब में सच्चे गुरु होते हैं, बाकी उसके बाहर नहीं होते, ऐसा कहना और मानना दोनों गलत है। सच्चे गुरु का कोई संप्रदाय नहीं होता, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन सच्चे गुरु की पहचान क्या, सच्चे गुरु कहें किसे हम। सच्चे गुरु वह है जिसका ज्ञान सही हो और जिसका आचरण सही हो, बस दो पहचान, ज्ञान भी सही हो और आचरण भी सही हो। ज्ञान के नाम पर भटकाना हो, ज्ञान के नाम पर भ्रांति ना हो। जिनका ज्ञान प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, जड़ तत्वों के जो गुणधर्म हैं उसके अनुकूल हो, जो नियम है उसके अनुकूल हो, चमत्कार पूर्ण बातें, अंधविश्वास पूर्ण बातें, मिथ्या महिमा पूर्ण बातें, कल्पना पूर्ण बातें जिनकी ज्ञान में ना हो। धर्म के क्षेत्र में देखो ऐसे ऐसे चमत्कार की बात कही जाती है कि हद है, और बड़े बड़े कहलाने गुरु कहलाने वाले लोग ये चमत्कार की बात कहते रहते हैं। तो जो सारे मिथ्या महिमा चमत्कार अंधविश्वास पाखंड से अलग निष्पक्ष निर्णय की बात, प्रकृति के जो कारण कार्य व्यवस्था है उनके अनुकूल जिसका ज्ञान हो, जिस ज्ञान में कोई भ्रांति ना हो, भटकाव ना हो, तथ्य का बोध होता हो, तो ऐसा ज्ञान हो और जीवन का आचरण सही हो। ज्ञान तो सही है लेकिन आचरण सही नहीं है, तो फिर वो हमें ठीक से प्रेरणा नहीं दे पाएंगे, उसे हमें बोध नहीं मिलेगा, उससे मन की तृप्ति नहीं मिलेगी। खाली ज्ञान क्या करेगा यदि ज्ञान का आचरण नहीं है, तो आचरण भी तो चाहिए। मैं कहूं आप लोगों को कि झूठ वो नहीं बोलना चाहिए और मैं ही झूठ बोलता रहूं, तो मेरा कहना किस काम का। जानना ज्ञान नहीं है, प्रवचन देना ज्ञान नहीं है, लेख लिखना कविता करना ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान तो वह है जो जीवन में उतरता हो, जिसका जीवन में आचरण होता हो। तो जिसकी करने और कथने एक समान हो वे सच्चे गुरु हैं। सदगुरु कबीर तो कहते हैं जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं यही विध आप समारे। जैसा कहा जाए वैसा किया जाए। तो ऐसा तो कोई भी आदमी कह सकता है कि मैं तो जैसा कहता हूं वैसा करता हूं, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये कथनी और करनी में एकता है, इसकी पहचान क्या है, कैसे माने कि हमारी कथनी और करनी एक समान है। सदगुरु कबीर कहते हैं इसकी पहचान है राग द्वेष निर्वारे, जीवन से राग और द्वेष का निवारण हो जाना, कहीं राग नहीं कहीं द्वेष नहीं।
सबके प्रति हित कामना, किसको हम अपना माने, कुछ अपना मानना पड़ता व्यवहार में, लेकिन मूल रूप में कौन हमारा है, हमारे साथ कौन जाने वाला है और कौन पराया है। आज जो अनुकूल है कल प्रतिकूल हो सकता है, आज जो प्रतिकूल है कल अनुकूल हो सकता है। और जीवन में आपको ऐसा बहुत अनुभव हुआ होगा, अनेक बार अनुभव हुआ होगा, मित्र दूर हट गए, जो लोग दूर थे वे लोग मित्र बन गए। तो किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष, जो साथ में रहते हैं जिनके साथ रहना होता है, जो बन सके उनके साथ सुंदर व्यवहार करें, जिनके साथ रहना नहीं होता, जो दूर दूर हैं उनके लिए भी हित कामना रखें। जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया उसके लिए भी हमारे मन में हित कामना होनी चाहिए। जिन्होंने हमारे लिए गलत व्यवहार किया, कुछ लोग होते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, सेवा करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके लिए मन खींच जाता है कि हमारे अपने लोग हैं, मुंह बनने लगता है। और जो लोग सत्कार नहीं करते, अपमान कर देते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उसके लिए मन में थोड़ी कड़वता आ जाती है, द्वेष आ जाता है, ये गलत। ठीक है, उन्होंने अपमान किया कोई बात नहीं, सत्कार नहीं किया, गलत व्यवहार किया, वो जाने। यदि उनके लिए भी हमारे मन में गलत भावना आ गई तो हमारे मन में अज्ञान है, हमारे मन में द्वेष है, और इस मात्रा में हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। हम उसके लिए भी गलत भावना मन में न लाए, गलत व्यवहार तो करें ही ना उसके साथ, उसके लिए गलत बात भी न सोचे, अहित कामना भी न करें, उसके लिए भी मन में हित चिंतन करें, तो समझिए कि हमारे मन में द्वेष नहीं है। तो राग द्वेष निर्वारे, सद्गुरु कबीर कहते हैं जैसा कहा जाए वैसा किया जाए, इसकी पहचान है मन से राग और द्वेष का निवारण हो जाना, त्याग हो जाना। तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, इस स्थिति में ये जो समता की स्थिति है, सबसे समता की जो स्थिति है इससे हटो मत, और इसी स्थिति में रह करके अपना कल्याण का काम करो। तो हम लोग यहां एकत्र हुए हैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में। गुरु जीवन जीने की कला बताते हैं, गुरु की आवश्यकता है इसलिए कि हमें जीवन जीने की कला सीखने में आए। जीवन हर आदमी जीता है, लेकिन जीवन जीने की कला कितने लोगों को है। जीवन ऐसा जिया जाए कि मन का क्लेश दूर होता जाए और मन की प्रसन्नता बढ़ती जाए, शांति बढ़ती जाए, मन निर्मल होता जाए, और जितना जितना जीवन बीतता चला जाए उतना मन सबसे ऊपर उठता चला जाए, ये जीवन जीने की कला है। कहीं मोह नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं अहंता नहीं, कहीं बैर नहीं। तो गुरु जीवन जीने की सीख देते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। असतो मां सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे तमस से अंधकार से ज्योतिर की ओर, प्रकाश की ओर ले चले। और मृत्युर मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। ये हर आदमी के दिल की पुकार है, ये हर आदमी के दिल की मांग है, लेकिन हमारी ये मांग पूरी कैसे होगी, किसी गुरु की शरण में जाकर के समर्पित होने से। और उसके लिए करना क्या होगा, गुरु के पास जाते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ती है, कोई दक्षिणा देनी होगी गुरु को। वो कौन सी बड़ी दक्षिणा है, गुरु को पास जाकर के अपने अहंकार की गठरी को गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, ये सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। केवल हमारा अहंकार गल जाए,
हम अपने अहंकार को गुरु को समर्पित कर दें, अपने मन के अहम भाव को गुरु को समर्पित कर दें, ये सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। और जो अपने मन के अहम को, मन के अहंकार को गुरु को समर्पित कर दिया, उसके कल्याण में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और जब तक ये अहंकार बना रहेगा तब तक कभी कल्याण होने वाला नहीं है, सुख और शांति का अनुभव होने वाला नहीं है। तो गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु को समर्पित होना होगा। और समर्पित होने का अर्थ है अपने अहंकार को गुरु के चरणों में भेंट दे देना। और जब ऐसा हो जाता है, जो अपने अहंकार की गठरी को गुरु के चरणों में रख करके खोल दिया, पूरी तरह से विनम्र हो गया, जिसकी जीवन में पूरी विनम्रता आ गई, फिर एक दिन वो स्वयं गुरु बन जाता है। हम और आप भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। और उसी स्थिति में पहुंचने के लिए ही हम लोग धर्म और भक्ति के मार्ग में आए हैं। धर्म और भक्ति के मार्ग में, गुरु की शरण में, संतों की शरण में हम लोग क्यों आए? क्या ऐसे दुखी बने रहने के लिए, ऐसे बंधन में पड़े रहने के लिए, मोह माया में जलते रहने के लिए, संसार में भटकते रहने के लिए, अंधकार में हाथ पर मारते रहने के लिए? इसके लिए तो पूरी दुनिया ही पड़ी हुई है। फिर नहीं, इस सब मिटे, इस सब दूर हो, और जैसे गुरु का जीवन महान है, जैसे गुरु का जीवन परम पवित्र है, वैसे ही हमारा जीवन भी परम पवित्र और महान बन जाए। यदि पारस पत्थर से छू करके लोहा सोना न बना तो पारस का महत्व ही क्या रह गया? फिर जैसे अन्य पत्थर वैसे पारस पत्थर, दोनों में कोई अंतर तो नहीं हुआ? अंतर तो तब समझ में आएगा ना कि जब स्पर्श करने के बाद लोहा सोना बन जाए। अब गुरु के पास गए हम, वैसे के वैसे रह गए, वही मनोविकार, वही दुख, वही पीड़ा, वही लोग, वही मोह, वही राग, वही कला, तो हम गुरु को समर्पित कहां हुए हैं? संतों की शरण में कहां गए हुए हैं? केवल बाहर बाहर से गए हुए हैं। शरीर गया है, मन तो नहीं गया। मन को डुबाना होगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरुजनों की याद करते हैं। उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया, जीवन जीने की कला दी, जीवन जीने की सीख दी, अंधकार से जो है प्रकाश की ओर ले गए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, और साथ साथ एक पुनः संकल्प लेने के लिए कि अब तक जो भूल हुई तो हुई, लेकिन आज जब हम गुरु की याद कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा कर रहे हैं, तब हम भी अपने जीवन को वैसे ही महान बनाएं, वैसे ही निर्मल बनाएं, वैसे ही प्रकाशित बनाएं जैसे गुरु का जीवन है। जैसे पूर्णिमा का चांद पूरी तरह से खिला होता, प्रकाशित होता है। श्री गुरु जतन साहब ने कहा था, पूर्णिमा के दिन 24 घंटे प्रकाश रहता है। दिन में सूर्य का प्रकाश, रात में चांद का प्रकाश। रात और दिन ये दो पहलू हैं। एक पहलू को सूरज प्रकाशित करता है, एक पहलू को चांद प्रकाशित करता है। हमारे जीवन के दो पहलू हैं, व्यवहार और परमार्थ। गुरु की शरण में जाने का अर्थ है हमारे जीवन के दोनों पहलू, व्यवहार और परमार्थ, पूरी तरह से प्रकाशित हो जाए। व्यवहार के पक्ष का प्रकाशित होना है, जो मिलते हैं सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, मिठास पूर्ण व्यवहार, कोमल वाणी में सेवा पूर्ण सेवा करना, जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ न देना, किंतु जो बने अपनी ओर से सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये व्यवहार के पक्ष का प्रकाशित होना है। और परमार्थ का पक्ष, कहीं मोह ना रहना, कहीं ममता नहीं रहना, अंदर का जो अंधकार है, तमस है, वो मिट जाना, आत्मबोध हो जाना, और सबसे सुंदर व्यवहार करते हुए, सबसे अनासक्त होकर के आत्मस्थित हो जाना, ये परमार्थ का प्रकाशित होना है। गुरु की शरण में हम गए हैं, गुरु की याद कर रहे हैं,
तो हम गुरु के उपदेशों का जीवन में ऐसा पालन करें, हमारे जीवन के दोनों पक्ष व्यवहार और परमार्थ प्रकाशित हो जाए, ऐसा जीवन जिए कि लगे सब मेरे हैं, कोई पराया जान न पड़े, सबके प्रति मन मिठास से कोमलता से भरा हुआ हो, और अंततो गत्वा सबसे अनासक्त होकर पूरे संसार से मुड़कर मन हमारा आत्मस्थ हो जाए। बस दोनों पक्ष प्रकाशित हो गए और हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। जो जितने गुरुजन हुए हैं पूर्व में, उन सबके प्रति हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, और उनके चरणों में विनियामनत होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, भावीनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम लोग ये संकल्प लें, गुरु ने जो रास्ता दिखाया है, बताया है, उस रास्ते पर चलें। और एक बात का ये ख्याल रखें कि मैं किसी न किसी गुरु से जुड़ा हूं, मेरे गुरु महान हैं, ज्ञान और वैराग्य से उनका जीवन पूर्ण है, तो मैं किसी उस गुरु का शिष्य हूं, तो अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे कारण मेरे गुरु की बदनामी हो। यदि मेरे कारण से गुरु की बदनामी होती है तो फिर मैं डूबा हुआ हूं। इसलिए जीवन के सारे कर्मों को इस ढंग से करें कि हमारी तो प्रसन्नता हो ही हो, ये भी लोग कहें भाई अमुक गुरु के शिष्य हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमारे गुरु की भी प्रसन्नता हो, यही गुरु की प्रति श्रद्धांजलि होगी, यही गुरु की भेंट होगी। यही इतना कहकर अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं।